I'm dreaming in dreams bigger than me. Hi everyone, welcome back to the Priyanka's Lifestyle. आज है विवेक का बर्थडे, तो आज का दिन हम कैसे स्पेंड करने वाले हैं वो पूरा मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. आज के दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं, हम कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ रुकते हैं, कहाँ हमारा स्टेकेशन होने वाला है, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. विवेक का बर्थडे रहा बहुत स्पेशल. यहाँ पे हमारा फुल डे का प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हमें क्या करना है, कहाँ हम लंच करने वाले हैं, कहाँ हम डिनर पे जाने वाले हैं, कहाँ हम रुकने वाले हैं. तो यहाँ पे हम आ चुके थे फॉर आर लंच द रोजियट में. यहाँ पे आपको दिख सकता है हमने एंट्री कर ली है. यहाँ की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी यूनिक सा ये जगह बना हुआ है. रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, इसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं. बट हमने ये जगह डिसाइड की थी फॉर आर लंच बिकॉज हमें यहाँ पे लंच करने के लिए जाना था. हमारे पास बहुत सारे वाउचर्स हैं, जो वाउचर्स का यूज़ मैं आपको आगे वीडियो में होने क्या होने वाला है वो मैं आगे चल के बताऊँगी वीडियो में. यहाँ पे हम रिसेप्शन पे अपना एंट्री चेक इन कर रहे थे, हम यहाँ पे लंच करने वाले थे तो हम यहाँ से लंच की तरफ बढ़ने वाले थे. यहाँ पे हमने रुक करके थोड़ा रूम्स का भी पता किया, रूम्स के प्राइजेस भी हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत पूछा. बिकॉज हम आए हैं ना तो हम हर एक जगह को एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें पूछ रहे थे. यहाँ पे कनिष्क और कनिष्क के पापा हेलो कर रहे हैं आप सभी को. और यहाँ पे जितने चाहे कमेंट करके आप विवेक को बर्थडे विशेस दे सकते हैं. यहाँ पे कनिष्क उसके पापा काफ़ी इंजॉय कर रहे थे. यहाँ पे हमने सारे रूम्स की डिटेल्स ले ली थी और लंच का कहाँ पे लंच करना है ये सब भी डिटेल्स हमने यहाँ पे ले चुकी थी. ऑलरेडी प्री बुक्ड था तो हम लोग यहाँ पे इतना अच्छा एम्बियंस था, इतना सूदिंग एनवायरमेंट था. यहाँ पे द रोजियट काफ़ी एक्सपेंसिव है दिल्ली गुड़गांव के हिसाब से, तो बहुत एक्सपेंसिव है. बट यहाँ पे अगर मैं एक सिंगल रूम की बात करूँ ऑक्यूपेंसी की, तो अराउंड यहाँ पे 30-35,000 से कम के रूम्स नहीं मिलते. बट यहाँ पे हम आ चुके थे लंच के लिए. यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था कॉर्न पालक और बटर नान, उसके साथ में कनिष्क के लिए हमने ऑर्डर की प्लेस किया था फ्रेंच फ्राइज. खाने की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी डिलिशियस यहाँ का फूड था, बिकॉज कॉस्टिंग वाइज भी ठीक था, बिकॉज फूड भी उस हिसाब का था, फूड भी बहुत टेस्ट में अच्छा था. यहाँ पे आपको मैंने सारा लोकेशन और सारा व्यू भी दिखाया है इस जगह का, कहाँ पे आप लोग लंच के लिए जा सकते हैं. अगर आप लंच करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसी जगह पे लंच के लिए जाना पड़ेगा, जहाँ बुफे भी लगते हैं तो वहाँ पे बुफे के लिए भी आपको जाना पड़ता है. बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक लंच के लिए आए थे और बाकी सारे प्लेसेस मैंने यहाँ पे कवर की है. इसके बाद का दिन कैसा रहता है वो वीडियो में आप आगे देख पाएंगे. अभी आप लोग एंजॉय कीजिए इस व्यू को, इस लोकेशन को, और मिलती हूँ मैं थोड़े से देर के बाद. यहाँ पे बर्थडे पार्टीज एनिवर्सरी के लिए ये लोकेशन बहुत अच्छा है. ये आपको महिपालपुर रोड पे दिख जाता है और यहाँ पे द रोजियट हाउस भी है जो आपको एरो सिटी में मिलता है. और ये द रोजियट था जो कि महिपालपुर में है. ये डोम शेप का पूरा बना हुआ है, इसका आर्किटेक्चर काफ़ी डिफरेंट है और रेस्टोरेंट से, बिकॉज और रेस्टोरेंट में आपको सीधी सी बिल्डिंग दिखती है, बट ये पूरा डोम शेप में आर्किटेक्चर बना हुआ है जो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक सा प्लेस है. बिकॉज यहाँ के चार्जेस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है.
इवन अगर मैं लंच की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ लंच ही आपको 2.5 से 3 हज़ार का सिर्फ दो लोगों का लंच होता है, मे बी उससे ज़्यादा भी, बिकॉज हमने तो वाउचर्स यूज़ किए थे तो उसके वजह से हमें थोड़ा कम भी पड़ा, बट अदरवाइज यहाँ का सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ से निकलने के बाद हम आ चुके थे रोज़ियाट हाउस, जो कि एरो सिटी में है। यहाँ पे जहाँ मैं बैठी हूँ वो रोज़ियाट हाउस है जो एरो सिटी पे है। लोकेशन मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे होने वाला था हमारा स्टेकेशन जो हमने एक दिन का किया था। यहाँ पे हम बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाले थे। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने रूम पे और यहाँ पे हमें स्वीट मिला था जो हमारा स्टेकेशन होने वाला था, वो वन ऑफ द स्वीट्स में होने वाला था जो कि था रोज़ियाट हाउस में। यहाँ पे ये ना रूम इतना सुंदर था कि यहाँ पे एक दिन के आदमी का मन करेगा कि 2 से 3 दिन कम से कम स्टे करे। इतना सुंदर था, इतना स्टेकेशन वहाँ पर सूदिंग था ना। मेन हम लोग जाते हैं थोड़े से पीस के लिए, कहीं भी हम बाहर जाते हैं ना तो सोचते हैं थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, इससे अच्छा प्लेस नहीं हो सकता है कहीं भी स्टे करने का। मज़े तो काफ़ी कर रहे थे बिकॉज व्यू भी काफ़ी सुंदर था। आज हम आ गए हैं रोज़ियाट हाउस जहाँ पे इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं हम। आज का दिन कैसा जाता है आगे वीडियो में बने रहिए और वीडियो में देख करके एंजॉय कीजिए कि आज का हम बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे आने के बाद द फर्स्ट थिंग वी डिड वॉज गोइंग टू द स्विमिंग पूल, क्योंकि हम लोग जाते ही हैं पूल के वजह से। लास्ट टाइम जब मैं आगरा गई थी तो मैं पूल में नहीं जा पाई थी, बट इस समय जब मैं गई थी तो सबसे पहले मैं वेल प्रिपेयर्ड थी क्योंकि मैं इस बार स्विमिंग पूल में जाने वाली थी। बहुत मन करता है बिकॉज ऐसे वेदर में ना पूल साइड बैठ करके चाय पीना और वहाँ पर इंजॉय करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम आ चुके थे और कनिष्क का इंजॉयमेंट आप इस पूरे वीडियो में देख पाएंगे, और कनिष्क के साथ कनिष्क के पापा का, कनिष्क की मम्मी का, सब आपको इस वीडियो में दिखने वाला है। और कनिष्क के लिए एक छोटू सा पूल था जिसमें वो काफी एंजॉय कर रहा था। ये आपको 6th फ्लोर पे मिल जाता है। The melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move.
from my head to my feet, my heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found in the music. आपको वो गिरा दो, आपको गिरा दो नीचे। प्लेन का ले वो देखो ना, आर्मी वाले प्लेन लगे तीन तीन। हक्कू तो तैरना सीख गया था, कल बोल रहा था। कितना लंबा गया पानी में? इक्कीस पे शुरू किया है, 22 पे, 24 पे। बस कर कितने 24 से 40 एक मिनट में रह। यहाँ पे आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द पूल एरिया हमने यहाँ पे ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री, हमें यहाँ पे केक दिया गया था, यहाँ पे होटल की तरफ से ही ये केक था। तो यहाँ पे हमने सोचा कि आफ्टरनून में ही एक केक और काट लिया जाए, बिकॉज ये इस दिन का सेकंड केक था जो हम कट कर रहे थे। अब चलने वाला है कैंडल। आज के दिन का ये थर्ड केक कटने वाला है, फर्स्ट ऑलरेडी कट चुका है, ये सेकंड है, अब इसके बाद थर्ड भी कटेगा। ये ना नाइस, अभी नहीं काटे है, रुक जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे विवेक, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप तो बोलो, आप किसको खिलाओगे? आफ्टर दी आफ्टरनून केक कटिंग यहाँ पे हम निकल गए थे अपने डिनर के लिए, जो कि बुफे सिस्टम रहता है, और मोस्टली तो होटल्स में बुफे सिस्टम ही रहता है इवनिंग टाइम पे। तो यहाँ पे हम अपने डिनर के लिए निकल गए थे, और डिनर के साथ हमें एक और केक कटिंग करना था, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, काफ़ी एक्साइटेड थे, बिकॉज कनिष्क के साथ और इतने सारे क्राउड के साथ ना केक कटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। कौन
वेजिटेबल्स फ्राइड राइस चल सकता था वैसे बाहर ही है नूडल्स छोड़ लेना। यहाँ पे जो बुफे लगा हुआ था उसमें इतने सारे आइटम्स थे ना कि सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि क्या लें क्या नहीं लें खाने के लिए। डिजर्ट्स में भी काफी सारे ऑप्शंस थे, मन भर जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हम जाते हैं बुक करके इतना कुछ खाने के लिए, बट वहाँ पहुंचते ही ना खाने का मन खत्म हो जाता है, बिकॉज इतनी वराइटीज होती है खाने के ऑप्शंस की कि देख करके ही मेरा तो पेट फुल हो जाता है। बट यहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ तो खाना ही था और ऑप्शंस इतने अच्छे से देख के तो खाने का मन ऑलरेडी कर ही रहा था कि चलो ये नहीं तो ये सही। इस वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया था वो अभी तक मैंने दिया नहीं है, तो वो जल्द ही उसका गिव अवे मैं अनाउंस करूंगी। मैं इस वीडियो में जल्दी आपको बताने वाली हूँ कि मैं आपको क्या गिफ्ट्स देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको गिफ्ट पता चल सके कि मैं क्या देने वाली हूँ। और उसके साथ साथ में मैं कुछ और चीजें भी आप लोगों को गिव अवे में अनाउंस करूंगी, जिसके लिए अभी आप इंतजार कीजिए, बिकॉज थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे ये गिव अवे करने में, बिकॉज उसके लिए बहुत सारे प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं आप लोग को गिफ्ट करूँ वो भी अच्छी हो। तो वो चीज़ें और मैं क्या देने वाली हूँ वो इस वीडियो के एंड में आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे खाने के ऑप्शंस पे आ जाते हैं फिर से, क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है देख देख के कि कितनी चीज़ें हैं खाने के लिए। जब खाने का टाइम होता है तब हमसे खाया नहीं जाता और बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि हमने क्यों नहीं खाया। तो यहाँ पे आप वीडियो को देखिए, इंजॉय कीजिए और मैं मिलती हूँ फिर से थोड़ी देर में आप लोगों से। यहाँ पे एक ज़रूरी बात, यहाँ पे मैं कुछ वाउचर्स के इमेजेस यहाँ पे लगा दे रही हूँ, बिकॉज़ गिव अवे में मैं ये कूपन्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे गिव अवे में ये कूपन्स भी मिलने वाले हैं, तो दो इस जगह को एंजॉय करना चाहता है वो इस कूपन के लिए जो मैं टर्म्स एंड कंडीशंस बताने वाली हूँ अपने आगे वाले वीडियोज़ में, वो ज़रूर ध्यान से सुने, बिकॉज उस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे ये कूपन्स मैं उन लोगों को देने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द प्रियंकाज लाइफस्टाइल को। यहाँ पे अपना मैं खाना लेकर के आ चुकी थी और यहाँ पे मैंने अपना खाना स्टार्ट किया था। कनिष्ठ तो ऑलरेडी पूरा दिन बहुत ज़्यादा हरास्ट हो गया था, तो वो तो बहुत ज़्यादा थक गया था यहाँ पे, तो वो अपना फ़ोन लेकर के देख रहा था और उसको बिल्कुल वो नींद में था। यहाँ पे आज के दिन का ये थर्ड केक आ चुका था जो हमने होटल रूम में ही मंगा लिया था, उसके पीछे रीज़न था बिकॉज कनिष्ठ सो चुका था। यहाँ पे ये था वो गिफ्ट जो मैंने विवेक को दिया, बिकॉज यहाँ पे ये डीजल वॉच है जो मैंने विवेक को दी और उनको काफ़ी पसंद थी, उनकी खुद की चॉइस की वॉच थी जो उनको चाहिए ये थी, तो मुझे लगा कि इससे बेटर गिफ्टिंग ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। और मेंस में ऑप्शंस वैसे भी बहुत सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं जो हम गिफ्ट कर पाते हैं, तो यहाँ पे केक कटिंग का आप वीडियो में देख सकते हैं जो कि मैंने शॉर्ट्स में डाला है, तो आप मेरे शॉर्ट्स में भी जा करके देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे शॉर्ट्स में वीडियो कैसे लिया था। यहाँ पे हो चुकी थी आज की सुबह और मेरे निकलने का टाइम, बिकॉज हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में यहाँ पे बुफे सिस्टम लगा हुआ था, तो हम मॉर्निंग में यहाँ आकर के अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एम्बियंस का आउटलुक दे रही हूँ कि कैसा लग रहा था, और यहाँ पे हम बाहर आने के बाद थोड़ा सा मौसम के मजे ले रहे थे, आप देख सकते हैं विदाउट मेकअप, बिकॉज ये मॉर्निंग का टाइम था। थैंक यू ऑल फॉर योर लवली मैसेजेस, और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द प्रियंकाज लाइफस्टाइल। मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए डाडा बाय बाय।